और देखें आज भी हेडलाइंस क्या हैं। मैं आपको दो बता देती हूँ डिफरेंट एंगल्स। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है, हमला कर दो। टीवी आप देखते हैं ना, हर घंटे हेडलाइंस चलती, हेडलाइंस में क्या है, हमला कर दो, मार दो, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं या रोऊं। टीवी पे एक दिन पहले फरमा रहे थे कि हम ये जब इक्तदार में आएंगे हम ये तरमीम वापस करेंगे। भाई क्यों वापस करेंगे, तकलीफ हो रही है कि अवाम की जो इख्तियार है वो अवाम के पार्लियामेंटेरियंस को वापस गया, पार्लियामेंट को वापस गया। ये तो तारीखी दिन था उस दिन पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए। तो जिन्होंने तनकीद की वही सामने बैठ के कह रहे हैं, बैठे हुए उनकी सामने फ्रंट रो में जो ये कह रहे थे हम इसको नहीं मानते। तो ये वो तजाद है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आज भी हेडलाइंस क्या चलती हैं कि हमला कर दो पंजाब के ऊपर, इस्लामाबाद पे हमला कर दो, अपने अपने शहरों में सब प्रोटेस्ट करें। वो और बात है कि शहरों में से अब कोई नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्यों? इसलिए नहीं निकलता कि लोगों को काम होता नज़र आ रहा है। वरना आज 6 साल, ये पता है क्या उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे, ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हों। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। हमारे जो मुखालिफीन हैं अब वो ये बातें करने लग गए हैं। हमारे मुखालिफीन अपनी जमात में, उस जमात का नाम नहीं लेना चाहती, वो ये बात करने लग गए हैं और वो बातें मुझ तक पहुँचती हैं कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ़ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहज़ीबी। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी, अल्लाह के फजल करम से, शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। क्योंकि काम करना और मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून के मुखालिफीन, या मुस्लिम लीग नून की नकल कर सकते हैं? नकल के लिए भी अकल और मेहनत की ज़रूरत होती, वो भी नहीं होती उनसे। जंगला बस कहते 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 खुद भी जंगला बस बना दी, वो जिसको मैं कहती थी कि चलती कम है जलती ज़्यादा है। और जिन सड़कों पे तनकीद करते थे कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, अब उनकी अकल को 7 तोपों की सलामी देनी चाहिए जो कहते हैं सड़क बनने से कौम तरक्की नहीं करती। एक सड़क बनती है उसके इर्द गिर्द के पूरे शहर जो हैं वो ना सिर्फ तरक्की करते हैं बल्कि आबाद हो जाते हैं। आप देख लें दुनिया के कोई भी मॉडल उठा के देख लें, अगर वहाँ सड़कें नहीं हैं तो वहाँ कौन आएगा? आपके सामने दुबई की मिसाल है, उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और देखें उनकी तरक्की किधर चली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं करती। इसलिए मैं आपसे ये कहती हूँ और मैं आवाम से भी एक अपील करती हूँ कि अगर उनकी ज़िंदगी में अब बेहतरी आना शुरू हुई है और हर शोबे में शुरू हुई है, महंगाई कम होना शुरू हो गई है, मुल्क तरक्की करना शुरू हो गया, आप देखते हैं कि वो कॉन्फ्रेंसेस दोबारा शुरू हो गई हैं, दुनिया मुल्क पाकिस्तान पे अब एतबार कर रही है, आ रही है पाकिस्तान, जो गैर मुल्की सरबराहान हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो जो एक जमूद छाया हुआ था, जो एक एक तनजली की घटा छाई हुई थी, पाकिस्तान उससे बाहर निकल रहा है अब अल्लाह ताला के फजल करम से। महंगाई कम हुई है, जिससे मैं एक वीडियो उस दिन देख रही थी तो आज़ाद कश्मीर से कोई लाहौर आया हुआ था, तो उसको किसी ने पूछा कि तुम अपना आज़ाद कश्मीर छोड़ के लाहौर क्यों आ गए हो? उसने कहा इतने रोटी सस्ती मिल दी। तो आज भी पंजाब में अगर 12 रुपये की अल्लाह ताला के फजल से रोटी की, 20 और 25-30 के दरमियान रोटी जा रही थी, अब 12 रुपये 13 रुपये पर रोटी है और बाकी तमाम
सूबों को पंजाब की देखा देखी वो रोटी कम करनी पड़ी, लेकिन उसके लिए मुसलसल काम करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप अनाउंस कर दें एक दिन कि 12 रुपए की रोटी अपने आप 12 रुपए की बिकेगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए डेली रोज़ाना हर सुबह हर दोपहर हर शाम हर रात आपको काम करना पड़ता है। मैं करती हूँ ये काम, मेरे सामने ऑफिस में स्क्रीन लगी होती है जिस पर मुझे नज़र आ रहा होता है कि रोटी और आटे की कीमत क्या है, 10 किलो के थैले की कीमत क्या है, 20 किलो के थैले की कीमत क्या है, 40 किलो के थैले की कीमत क्या है। उसके लिए काम करना पड़ता है। पंजाब आज भी अल्लाह के फजल से 12 और 13 की रोटी दे रहा है, बाकी सूबों ने की 12 13 की रोटी, लेकिन वो नहीं सस्टेन कर सके क्योंकि उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए यहाँ सीने के अंदर आवाम का दर्द रखना पड़ता है। मैं सोने के लिए घर जाती हूँ और जब मैं मुझसे वो टाइम भी नहीं गुजरता, मेरा दिल चाहता है कि सुबह और मैं वापस दफ्तर जाऊं और अपना काम शुरू करूं। तो इस जज्बे के साथ जो है, क्योंकि काम बहुत हैं, वक्त बहुत थोड़ा है, काम बहुत है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, और देखें आज भी हेडलाइंस क्या हैं। मैं आपको दो बता देती हूँ डिफरेंट एंगल्स। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है, हमला कर दो। टीवी आप देखते हैं ना, हर घंटे हेडलाइंस चलती हैं, हेडलाइंस में क्या है, हमला कर दो, मार दो, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूँ या रोऊँ। टीवी पे एक दिन पहले फरमा रहे थे कि हम ये जब इक्तदार में आएंगे हम ये तरमीम वापस करेंगे। भाई क्यों वापस करेंगे, तकलीफ़ हो रही है कि अवाम की जो इख्तियार है वो अवाम के पार्लियामेंटेरियंस को वापस गया, पार्लियामेंट को वापस गया। ये तो तारीखी दिन था उस दिन पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए। तो जिन्होंने तनकीद की वही सामने बैठ के कह रहे हैं, बैठे हुए उनकी सामने फ्रंट रो में जो ये कह रहे थे हम इसको नहीं मानते। तो ये वो तजाद है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आज भी हेडलाइंस क्या चलती हैं कि हमला कर दो पंजाब के ऊपर, इस्लामाबाद पे हमला कर दो, अपने अपने शहरों में सब प्रोटेस्ट करें। वो और बात है कि शहरों में से अब कोई नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्यों इसलिए नहीं निकलता कि लोगों को काम होता नज़र आ रहा है, वरना आज 6 साल ये पता है क्या उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे, ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। अवाम को नज़र आ रहा है कि खाली बातों में और काम करने में कितना फ़र्क है। बातों से लोगों के पेट नहीं भरते, सियासी बयानात गाली गलौज से लोगों के पेट नहीं भरते, किसान का पेट नहीं भरता, अमली काम और मेहनत करने से लोगों के पेट भरते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आती है। तो आज भी हेडलाइन यही होती है, इनकी हेडलाइन क्या होती है कि ये जब हम इक्तदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक्तदार में इंशाल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। और मुस्लिम लीग नून की हेडलाइन क्या होती है, शहबाज शरीफ साहब की हेडलाइन क्या होती है, शहबाज शरीफ साहब की हेडलाइन हो रही है कि SCO हो रही है, कई कितने अरसे बाद गैर मुल्की सरबराहान आ रहे हैं, और वो जो मनाजिर पूरी कौम ने देखे, ऑनेस्टली आंखें तरस गई थी वो मनाजिर देखने, हमारे हमसायों में वो मनाजिर देखने को मिलते थे लेकिन लगता था पाकिस्तान को किसी की नज़र लग गई। मुस्लिम लीग नून की खबर क्या आ रही है, किसान कार्ड में आप जानते हैं किसान कार्ड अभी लॉन्च किया है, किसानों ने पूरे पंजाब के अंदर अल्लाह ताला के फजल व करम से 10 अरब रुपए की खरीदारी पिछले हफ्ते में कर भी ली है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपने ये जो 10 अरब की खरीदारी की है, मुझे लगता है कि ये तोहफा दिया है किसी ने मुझे। मुझे पता है आपने बीज खरीदा है, मुझे पता है आपने फर्टिलाइज़र खरीदा है, आपने खाद खरीदी है, आपने पेस्टिसाइड खरीदा है। और आप देख लें आज पहला साल है पता नहीं कितने सालों के बाद जब फर्टिलाइज़र की कमी नहीं हुई, खाद की कमी नहीं हुई, पेस्टिसाइड्स की कमी नहीं हुई, और कोई आपसे ज़ायद पैसे नहीं ले रहा। 6000 के ऊपर तकरीबन था पिछली दफ़ा खाद की बोरी, आप देखें आज कितनी कमी आई। बीज के ऊपर, बीज पिछले दफ़ा गंदम का बीज 6000 पे था, अब 3500 के ऊपर। तो ये
अपने आप तो नहीं हो रहा ना, कोई आपका हमदर्द इधर बैठा है नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत की सूरत में जो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है मेरे किसान भाइयों। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि मैं भी अब ज़राअत शुरू कर दूँगी, रायवंड में है ज़मीन मेरे पास, क्योंकि मैं अब पूरी किसान बन गई हूँ माशाल्लाह।